हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज गाइस आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, आप लोगों के पास थर्ड सेमेस्टर के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट है जिसका नाम है एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, एंड गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि वो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। सो गाइज, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड गाइज, इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये वाला क्वेश्चन पेपर जो राइट नाउ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शेयर किया था। सो गाइज, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ, एंड इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी आपके एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो गाइज, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करते हैं तो गाइज आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से होंगे। सो गाइज, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि आज की इस क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो पूछी गई है कि संविधान में शिक्षा के मौलिक अधिकार पर चर्चा कीजिए, राज्य और माता पिता के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं। सो गाइज, आप लोगों से पूछा गया है जो हमारा संविधान है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर राइट टू एजुकेशन कहाँ है, किस तरह से राइट टू एजुकेशन का अधिकार हमारे संविधान के अंदर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सो गाइज, इससे रिलेटेड कंप्लीट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ वन बाय वन करके, एंड गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। सो गाइज, वन बाय वन करके हम हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। यानी कि परिचय के अंदर गाइज आप लोगों को क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे वन बाय वन करके बताने वाली हूँ। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण 26 नवंबर का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को स्वीकृत किया था जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान बनाते समय इसके रचनाकारों के मन में ये विचार अवश्य ही रहा होगा कि भावी भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में होने वाला है। इसी कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से शासन को निर्देशित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था को रूप देने का प्रयास किया है। सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर गाइज सिंपल चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारा संविधान है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब रेडी हुआ। तो गाइज, आपको ये दोनों डेट याद रखनी है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहली डेट गाइज, जो हमारा संविधान है वो जो बनकर तैयार हुआ वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो गाइज, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो तब इसको लागू नहीं किया गया, लागू इसको गया 26 जनवरी 1950 को। गाइज, ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है आपकी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, एंड अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पूछा गया है तो गाइज ये दोनों डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे संविधान है उसके जो प्रमुख शिल्पकार हैं वो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम अम्बेडकर साहब के नाम से जानते हैं। तो गाइज, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इनका नाम भी आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है। तो गाइज, इंट्रोडक्शन के अंदर यही बताया गया है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो लोग इस संविधान की रूपरेखा तैयार कर रहे थे उनके माइंड में यही क्वेश्चन आया कि जो हमारा इंडिया है आज़ादी के बाद, जो हमारा भारत है, जो इसकी तरक्की होगी वो किससे होगी, वो होगी देश के बच्चों से, और देश के बच्चे कब इस लायक बनेंगे कि वो अपने देश का विकास कर
कर सकें वो बनेंगे जब उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो गाइज इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोली गई है कि भारत की भावी पीढ़ी का निर्माण इसकी कक्षाओं से होने वाला है। तो गाइज इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से जो देश की सरकारें हैं यानी कि जो राइट नाउ हमारी गवर्नमेंट चल रही है, जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, उनको ये बताया है कि किस तरह से उन्हें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का रूप तैयार करना है। तो गाइज आई एम श्योर आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों से शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए ब्रिटिश परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था, मगर वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो गाइस सबसे पहला जो प्रस्ताव हमारे देश की एजुकेशन से रिलेटेड रखा था वो रखा था गोपाल कृष्ण गोखले सर ने। तो गाइस गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो पहला हमारे इंडिया के लिए शिक्षा का जो प्रस्ताव रखा था वो था मुफ्त और अनिवार्य को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, वो भी मुफ्त और अनिवार्य रूप से। तो गाइज उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा उस टाइम पे हमारा जो देश था वो आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो गाइज यहाँ पे वही बताया गया कि 18 मार्च 1910 को जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा ब्रिटिश विधान परिषद के सामने, तो गाइज इसको स्वीकार नहीं किया गया और ये एक कानून नहीं बन सका। तो गाइज इस तरह से जो पहला स्टेप लिया गया हमारे इंडिया में एजुकेशन के लिए वो ये था। इसके बाद गए जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, शिक्षा व्यवस्था उसी का परिणाम है। तो गाइज हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि एक और अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर जो कि है अनुच्छेद 21, इसके द्वारा हमें जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो गाइज इसी के अंतर्गत हमारे शिक्षा की व्यवस्था भी आती है और शिक्षा का अधिकार भी इसी अनुच्छेद का प्रमाण है। इसके बाद गाइज हमारा तीसरा पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा को निषेध करने के साथ सहायता व मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित रहने की स्वतंत्रता विद्यार्थियों को देता है। यानी कि गाइज इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि मान लीजिए बहुत सारे आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान होते हैं जो अपने अपने धर्म की शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गाइज अगर कोई विद्यार्थी नहीं चाहता किसी पर्टिकुलर धार्मिक संस्थान में जाकर शिक्षा ग्रहण करना, तो गाइज उसको इस चीज़ का अधिकार है और वो चाहे तो इनमें अनुपस्थित रह सकता है। इसके बाद गए जो हमारा फोर पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 29 में भारत के सभी नागरिकों को भाषा लिपि व संस्कृति को संरक्षण करने के साथ ही धर्म मूल वंश जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार देता है। सो गाइज अनुच्छेद 29 हमें क्या अधिकार देता है, अनुच्छेद 29 के अंदर बताया गया है कि जो हमारी भाषा है लिपि है संस्कृति है उसका संरक्षण हम कर सकते हैं और बिना किसी धर्म वंश जाति भाषा के भेदभाव के बिना हम किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को फोर पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर बताया गया कि अनुच्छेद 30 भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षक संस्थान खोलने व उनका प्रबंध करने का अधिकार देता है। तो गाइज अनुच्छेद 30 के अंदर बताया गया कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के अंदर वो अपने धर्म के आधार पर अपनी भाषा के आधार पर शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं और उनके आप प्रबंध कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद गाइज जो हमारा सिक्स पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 41 में राज्य को उसकी आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए शिक्षा पाने में नागरिकों की सहायता देने को कहा
सहायता देने को कहता है। सो गाइस जो हमारा अनुच्छेद 41 है उसके अंदर बोला गया है कि जो एक राज्य है वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए और अपने जो उसकी सीमा है उनको ध्यान में रखते हुए जो उसके राज्य के भीतर जो नागरिक हैं उनको शिक्षा दिलाने में उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करें। सो गाइस आपको इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है। इसके बाद गाइस जो हमारा 7th पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था। यानी कि गाइस जब हमारा संविधान तैयार हुआ उस टाइम पे जो हमारा अनुच्छेद 45 है गाइस इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जब हमारा संविधान लागू होता है उसके लागू होने से 10 साल बाद तक जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देनी है और निःशुल्क शिक्षा देनी है। और ये काम किसका होगा? ये काम होगा प्रशासन का, यानी कि जो हमारे देश की सरकार है। तो गाइज ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। गाइज ये जितने भी पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मिस आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद गाइज हमारा 8th पॉइंट है कि अनुच्छेद 46 में शासन को निर्देश देते हुए वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करें। गाइज अनुच्छेद 46 में बोला गया है कि शासन को ये निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग जो कि हमारे देश के पिछड़ा वर्ग है उसके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाए। गाइज आप लोगों को पता होगा कि आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोग आज से 100 साल पुराने तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो लोग शिकार करते हैं और आग पर खाना पकाकर खाते हैं जैसे कि आज से 100 साल पहले होता था। तो गाइज यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि ऐसी जो अनुसूचित जाति जनजातियाँ हैं उनके लिए भी हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उन्हें भी शिक्षित करना है। अब वो हमें कैसे करना है इसके लिए हमें कुछ विशेष व्यवस्थाएँ करनी होंगी। तो गाइज ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है, आई एम श्योर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइज हमारा अनुच्छेद हमारे 9th पॉइंट के अंदर बोला गया है कि अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान देने को कहता है। गाइस एंग्लो इंडियन उन पर्संस को कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है। गाइस आप लोगों को अगर आप लोगों ने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। गाइस हुआ क्या था, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने शासन किया था उससे पहले हमारे इंडिया के अंदर, मतलब ब्रिटिश के साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे विदेशी आए, जैसे कि जिनमें थे फ्रेंच थे, डच थे और भी बहुत सारे लोग थे जो कि आए थे। तो गाइस जैसे ही ये लोग आए हमारे इंडिया के अंदर तो इनमें से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर ही बस गए, जैसे कि कुछ फ्रेंच हमारे इंडिया के अंदर ही रह गए, कुछ डच लोग हमारे इंडिया के अंदर ही रह गए। तो गाइस उन्हीं के जो आगे के जो वंशज हैं, सो गाइज इस तरह से मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एंग्लो इंडियन लोग वो होते हैं जो पुराने टाइम में हमारे इंडिया में आकर जो भी फ्रेंच लोग थे, डच लोग थे, जो भी थे जो हमारे इंडिया में आकर रहे और उनके जो आगे की जो पीढ़ियां रही हैं उनके बहुत सारे जो मतलब बच्चों के बच्चे वो यहीं पर रहते हैं उनको एंग्लो इंडियन समुदाय बेसिकली कहा जाता है। बेसिकली ये लोग गोवा साइड में ज़्यादा मिलते हैं, हमें ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर वही बोला गया है कि जो हमारा संविधान है उसका जो अनुच्छेद 337 है उसके अंदर बोला गया है कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसको भी शिक्षा लेने का विशेष हक है, विशेष अनुदान उसके लिए है। तो गाइज ये हमारा 9th पॉइंट है। इसके बाद गाइज हमारा जो 10th पॉइंट है उसके अंदर बताया गया कि अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक शिक्षा मातृत्व भाषा में प्राप्त करने की सुविधा उपलब्धता को कहता है। सो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा अनुच्छेद 350 है उसके अंदर कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृत्व भाषा में होनी चाहिए। गाइज आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती होती है। गाइज हिंदी हमारे देश में ज़्यादा पर्सन्स नहीं बोलते हैं, ओनली 40% लोग हैं जो कि हमारे देश के अंदर हिंदी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, ऐसा नहीं है गाइज। सो गाइज यहाँ पे वही बताया गया है कि ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको हिंदी नहीं आती है, अपनी मातृत्व भाषा आती है, तो चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, कोई भी भाषा आती है, तो उसे अपने मातृत्व भाषा में प्राथमिक शिक्षा लेने की सुविधा होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 350 के अंदर बोला गया है। तो गाइज ये
10 पॉइंट है जो कि आप लोगों को अपने माइंड के अंदर हमेशा रखने हैं, क्योंकि गाइस इनके अंदर मैंने आप लोगों को वो सारे अनुच्छेद बताए हैं जिनके थ्रू हमारे संविधान में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो गाइस आई एम श्योर अभी तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आगे के पॉइंट के बारे में। गाइज आगे के पॉइंट के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो गाइज यही मेन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1976 जब देश में आपातकाल लागू था किया गया। 40वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में डाला गया ताकि केंद्र सरकार कानून बनाकर संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सके। 1986 की नीति में शिक्षा को संवर्ती सूची में डालने को एक दुर्गमी कदम बताया गया और यह आशा प्रकट की गई कि इससे केंद्र व राज्य के बीच शिक्षा क्षेत्र में अच्छी भागीदारी की शुरुआत होगी। उच्च व उच्चतम न्यायालयों के फैसलों का प्रभाव भी देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। 1993 में उन्नति कृष्ण विवाद के बाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है। सो गाइज हमारा जो ये पैराग्राफ है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो हमारे इंडिया के अंदर शिक्षा के मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया वो उठाया गया था 1976 में जब हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू था। इसके अंदर किया क्या गया था गाइज, 40वां संविधान संशोधन करके जो हमारी शिक्षा है एजुकेशन जो टॉपिक है उसको संवर्ती सूची में डाला गया था। बेसिकली गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 सूचियां हैं, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक संवर्ती सूची। गाइस संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है इसके अंदर जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारी केंद्र सरकार है दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है वो इस संवर्ती सूची के अंदर है। इसके बाद गाइस ये जब संवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को डाला गया तो इससे ये उम्मीद पैदा हुई कि अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा को सुधारने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। इसके अलावा गाइस जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है यानी कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है उसके थ्रू भी कई दफ़ा ऐसे जजमेंट दिए गए हैं जिनके थ्रू शिक्षा के मौलिक अधिकारों के बारे में हमें पता चलता है और हमें ये पता चलता है कि 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लेना उसका मौलिक अधिकार है। सो गाइज आप लोगों को इस पैराग्राफ को भी अच्छे से ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है 2002 में 86वां संशोधन। गाइज ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको मिस मत कीजिएगा। 2002 में 86वां संशोधन कर संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 21A से देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों हेतु अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने में शासन की जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई। 86वां संविधान संशोधन कार्यान्वय करने हेतु तथा इसे कानूनी प्रारूप देने में एक लंबा समय लगा। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से लागू कर सके, स्पष्ट है कि संविधान की भावनाओं को औपचारिक रूप से लागू करने में देश के नीति निर्धारकों ने 60 वर्ष लगा दिए। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और इससे कुछ प्रदेशों के प्रारंभिक विद्यालयों के भौतिक स्वरूप में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। भौतिक सुधारों का शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना है मगर शिक्षा में गुणतामक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को जांच करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रथम की निष्कर्ष तो प्राथमिक शिक्षा की गुणतामकता में गारंटी बतला
बता रहे हैं शिक्षा की नींव कमजोर हो रही है तो भवन मजबूत कैसे होगा। सो गाइज, हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि जो हमारे देश के अंदर राइट नाउ जो कानून है शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड, वो आता है अनुच्छेद ए के अंदर, 21 ए के अंदर। तो गाइज यहाँ पे ए आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, अनुच्छेद 21 ए के अंदर या फिर अनुच्छेद का जिसे हम कहते हैं उसके अंदर ये बोला गया है कि जो हमारे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना शासन की जिम्मेदारी है। और इस संविधान संशोधन के बाद गाइज ये चीज़ साबित हो गई कि अब हमारे देश में सभी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि गाइज ये जो संविधान संशोधन हुआ इसको कानूनी रूप लेने में एक बहुत लंबा समय लगा और 2009 के अंदर इसको कानूनी रूप मिल सका। इस तरह से गाइज इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनको 60 वर्ष लग गए हमारे संविधान की भावना को समझने में कि बेसिकली हमारा संविधान देश में एक अच्छी शिक्षा प्रणाली चाहता है। गाइस इस संविधान संशोधन के बाद, यानी कि संविधान संशोधन के बाद 46वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद जो कुछ जगह तो हमें चेंजेस देखने को मिले लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इस लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो गाइस यहां पे लास्ट में वही बोला गया है कि अगर अभी हम प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो आगे आने वाला जो हमारे देश का भविष्य है वो कैसे मजबूत होगा। तो गाइस आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड गाइस ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है। गाइस इसके अंदर बोला गया है कि राज्य और माता पिता के लिए शिक्षा का अधिकार का मतलब शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम हो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नियमों और कानूनों का पालन करता है। तो गाइज यहाँ पे वही बताया गया है जो आपके क्वेश्चन के अंदर लास्ट में पूछा गया था कि माता पिता और राज्य क्या समझते हैं शिक्षा के अधिकार से। तो गाइज उनके अकॉर्डिंग भी यही कहना है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और हमारे देश के सभी बच्चों को हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत ये शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो गाइज ये आप लोगों का एक कंप्लीट आंसर फिनिश होता है। गाइज लास्ट में आप लोगों को एक होमवर्क ये करना है कि आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है यानी कि जो कंक्लूजन है वो आप लोगों को खुद से रेडी करना है। गाइज ये आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों को करना है। तो गाइज ये आप लोगों का पूरा आंसर फिनिश होता है। आई एम श्योर गाइज जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया आप लोगों को सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इन्हीं सारे पॉइंट्स को मेंशन करना होगा। तो गाइज आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।